नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। विगत कुछ सालों में राजस्थान में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गौरव पथ से होते हुए कई योजनाएं गांवों तक पहुंची है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का असर ठेठ गांवों तक नजर आने लगा है, लेकिन न जाने क्यों किशनगंज उपखंड मुख्यालय पर विकास नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं बारा जिले के किशनगंज उपखंड मुख्यालय की। इस उपखंड क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या आदिवासी सहरिया समुदाय की है। इस आदिम जनजाति के परिवारों के आर्थिक व सामाजिक विकास में ठीक ठाक अंतर भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं किशनगंज ग्राम पंचायत व उपखंड मुख्यालय पर दशा कमोबेश बिगड़ी हुई है। कैसी है दशा किशनगंज की, कितना विकास हुआ है किशनगंज में, कैसी है किशनगंज की सड़कें, स्वच्छ भारत अभियान का कितना हुआ है असर, ये देखने के लिए आप भी मेरे साथ चलिए किशनगंज। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 है, जो राजस्थान के सिरोही जिले से आरंभ होकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी को जोड़ता है। इसी हाईवे के समीप स्थित है किशनगंज ग्राम पंचायत, यह उपखंड मुख्यालय भी है। किशनगंज में जाने के लिए हाईवे से अंदर चलते हैं। सड़कों पर गंदगी तो आपको नज़र आ ही रही होगी। इस गंदगी को मिटाने का कोई उपाय फिलहाल किसी के दिमाग में नहीं आया है। यह क्षेत्र जंगल से अटा हुआ है, इसलिए यहाँ के लोग पशुपालन खूब करते हैं। पशुओं की संख्या बहुत है, जो सड़क पर भी आपको आसानी से नज़र आ जाते हैं। पशु सड़क पर चलते हैं तो पोटी भी सड़क पर ही करते हैं। हमारे देश में पशुओं की पोटी को साफ करने के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं बनाई गई है। सरकार ने यह पाबंदी भी नहीं लगा रखी है कि पशुओं की पोटी पशुपालकों को ही साफ करनी है, इसलिए पशुपालक पोटी साफ नहीं कर रहे हैं। दूध, घी, छाछ, राबड़ी का आनंद पशुपालक उठा रहे हैं और पोटी से कपड़े आमजन के खराब हो रहे हैं। सड़क पर पड़े गोबर पर जब वाहनों का टायर गुजरता है तो गोबर के छींटे आपके वस्त्रों पर आ चिपकते हैं, वस्त्रों पर पेंटिंग सी बन जाती है। यहाँ एक सुंदर निजी विद्यालय खोल दिया गया है। बताया गया है कि यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं। इधर एक निजी मैरिज हॉल भी बनाया गया है। इस जगह से किशनगंज कस्बा आरंभ हो रहा है और गौरव पथ भी। कस्बे में एंटर होते ही भारी गंदगी और दुर्गंध से आपका स्वागत होता है। गौरव पथ का गौरवमयी सूचना बोर्ड भी गंदगी के बीच में खड़ा इतराता हुआ नजर आता है। शराब पीकर वाहन न चलाने का निर्देश देता हुआ ये सूचना बोर्ड भी यहीं पर लगा हुआ है। ये गौरव पथ है जिस पर अब हम चल रहे हैं और आप देख रहे हैं। ये 60 लाख रुपए की लागत से बना हुआ होगा, क्योंकि राज्य में हर एक गौरव पथ के लिए 60 लाख रुपए की राशि मुकर्रर की गई थी। इस राशि से 1 किलोमीटर लंबा गौरव पथ बनाया जाना था। इस गौरव पथ को हम नहीं नाप पाए। हम यहाँ गौरव पथ नापने नहीं गए थे, पर लगता है कि यह 1 किलोमीटर लंबा तो नहीं है, शायद चौड़ाई अधिक रख दी होगी। ये बस स्टैंड है, यहाँ वाहनों के खड़े रहने को छोड़िए, वाहनों के निकलने के लिए भी पर्याप्त स्पेस नहीं है। इस कारण कई रोडवेज व निजी वाहन बस स्टैंड पर आने की बजाय हाईवे से सीधे सीधे निकल जाते हैं। यहाँ एक काम ये अच्छा हुआ है, सड़क के पास ये सार्वजनिक सुविधा घर बना दिया गया है। इसकी सफाई को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कम से कम राहत की सांस लेने के लिए यह अच्छा काम यहाँ हुआ है। गौरव पथ पर जब भी कोई वाहन गुजरता है तो मिट्टी के गुब्बार उसके पीछे जरूर उड़ता है। यहाँ कचोरी समोसे खुले में पड़े रहते हैं। सड़क से उड़ने वाली मिट्टी आखिर कहाँ जाकर जमती है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपके आगे कोई बस चल रही है और आप उसके पीछे बाइक पर चल रहे हैं तो प्लीज़ मत चलिए, वरना हाईवे तक पहुँचते आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी कि घर जाने पर परिवार वाले भी पहचान नहीं पाएंगे।
अब ये सड़क राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आवासीय छात्रावास, तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय व न्यायालय के बाहर से होती हुई सीधे हाईवे पर पहुंचेगी और इस बीच आपको सड़क व सड़क के आसपास गड्ढे, उड़ती हुई मिट्टी और कचरे का ढेर नज़र नहीं आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ये जो बाई और ट्रैक्टर पड़ा हुआ है ना, ये वो जगह हैं जहां 9 साल पहले इसके पास वाली चाय की होटल पर मेरी बैठक हुआ करती थी। मैं यहां के युवा व बुजुर्गों के साथ घंटों बैठकर चर्चाएं किया करता था। तब यहां की सूरत इतनी बदतर तो नहीं थी जितनी आज है। ये तहसील व उपखंड कार्यालय के बाहर का दृश्य है। हाईवे पर पहुँचने के लिए आपको ये आखिरी लेवल पार करना होगा। ये आखिरी चुनौती है। ये कंप्यूटर पर गेम खेलने वालों को मारियो और डव गेम की याद दिला देता है। इस गड्ढे को पार कर लिया तो जैसे गंगा नहा गए और बरसों तक यहाँ के लोग इसी तरह रोजाना दिन में कई बार गंगा नहा रहे हैं। टूटा फूटा है, आए दिन आने आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ होती है, पानी भर जाता है। तो यहाँ पानी भर जाएगा तो लोग बाग जैसे कि हाई स्पीड से आते हैं, कई बार गड्ढे में गिर जाते हैं, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। अब जैसे टुकड़ा है, इधर बार बार देख लीजिए, नालियों के चक्कर में नालियाँ भी क्लियर नहीं होने की वजह से क्या है कि इधर पानी भर जाता है, इधर पानी भर जाता है। अब मेन मुख्यालय में गड्ढा हो रहा है, उसके बाद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। सर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई कि कम से कम यहाँ के जो जो खंड मुख्यालय के जो अधिकारी लोग हैं वो भी चीज़ पर ध्यान दें। साथ में प्रशासनिक व्यवस्था तो खैर है ही सही, लेकिन साथ में जो यहाँ के सांसद हैं, ये जो लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में है अभी वर्तमान में जो लोग मौजूद हैं, तो उन लोगों को कम से कम इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी की परेशानियों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी विकास नहीं है, सब खत्म ही है। रोड भी बनना चाहिए, नालियाँ भी बनना चाहिए, सुधार होना चाहिए, अतिक्रमण भी हटना चाहिए। अगर रोड पे पूरे पे तो अतिक्रमण हो रहा है डेढ़ से डेढ़ तक, देख लो आप कहीं भी जाओ रोड पे जगह नहीं है। बिल्कुल रोड खत्म हो रहा है, नाले वहाँ पर हो रही है, अभी बारिश आती है सब पानी घुसे का मकान होंगे। अगर आज से 20 साल पहले 70 बस चलती थी तो आज तो और बड़ी होगी। जब ये टोल टैक्स तो हुआ था उस टाइम में 70 बसों की मैंने गिनती की 24 घंटों से, 24 घंटे मैंने गिनती की थी। आज क्या हालात है? वो बसें किशनगंज में से होके जा रही है भाई, अगर हाईवे बना है तो उसका लाभ किशनगंज उपखंड मुख्यालय के लोगों को मिलना चाहिए, वो मिल रहा है क्या? अरे बिल्कुल नहीं मिल रहा सर, इसका प्रमाण मैं जीता जागता प्रमाण देता हूँ सर आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेशनल हाईवे से जो गाड़ियाँ जितनी भी निकल रही है सब उधर से निकल रही है। आम नागरिक जो किशनगंज में आना चाहता है, जो वहाँ पे रानीबड़ उतरेगा और वहाँ से पैदल आएगा, चाहे वो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और कई बार तो महिलाओं को वहाँ से पैदल आना पड़ता है जिसमें उनकी जान को और माल को खतरा हो सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर, इधर नहीं आने का कारण उनको भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता सब चीज़ों में, खास तौर से बरसात के मौसम में। जैसे वहाँ पे हमारी जो रेंजरी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, वहाँ पे एक नाला ऐसा है कि उसमें इतना पानी भर जाता है, एक छोटी सी अगर वहाँ पे पुलिया दे दी जाए तो वो अंदर होके निकल सकता है। बद्री जी, क्या लगता है आपको कि क्यों ये जो है सड़क ऐसी है, क्यों नहीं बनाई जा रही है? सब प्रशासन की नेतागिरी की लापरवाही है क्या? कहा दे दिया वोटा के टाइम में तो सब आ जाओ, जो सबका दे दे, यूँ कर देंगे वो कर देंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी है 12 जिले के किशनगंज उपखंड मुख्यालय की दशा। इस दशा को सुधारने के लिए उम्मीद है कि यहाँ के बासिंदे, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण मिलकर प्रयास करेंगे।